जय माता जी, राम राम, सीता राम। ये हमारे रिलायंस है ना, रिलायंस कंपनी है, रिफाइनरी। इधर एक खावड़ी गांव है, वहाँ हमारी ऑफिस भी है। इधर ऑफिस थी पहले, ये सब लेबर गेट है। इधर देखो, ये सब लेबर बैठा हुआ है, ये सब लेबर बैठा है। ये यहाँ से बड़ी ट्रक गुजरती है ना, यहाँ से ये रास्ता से रिलायंस के अंदर लोडिंग अनलोडिंग की ट्रक जाती है। और ये पूरा रिलायंस का एरिया है। ये दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इधर हमारे जामनगर में, रिलायंस। अगर इस रिलायंस का मालिक अंबानी था, इवन एक अंबानी था, वो एक दिन के लिए वो छोटा था ना, तब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी था, डीजल पेट्रोल भरने वाला। उतने इतना बड़ा साम्राज्य ही खड़ा कर दिया। देखो, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य ही बड़ा कर दिया। ये सब पूरी ट्रैफिक रिलायंस की है। ये देखो, गार्डन जैसा बना दिया है साइड में, ये जो बीच में रास्ता आता है वो भी, ये सब पूरी रिलायंस की देन है। ये इसमें आम से बहुत पेड़ लगाया हुआ है, इसके अंदर रिवानक रिलायंस ने बहुत पेड़ लगाया है। आपको इसका गेट आएगा तो भी बताऊंगा, रिलायंस का गेट आएगा अभी। ये पूरा एरिया है, इसमें ये मिलिट्री भी नहीं जा सकती, पुलिस भी नहीं जा सकती इसके अंदर, इसका गेट के अंदर एंट्री नहीं होती। इसका गेट के अंदर किसी की एंट्री नहीं होती, नो एंट्री होती है। और रिलायंस परमिशन देगी ना तो ही जा सकता है, इसके अंदर और कोई नहीं जा सकता। ये सब रिलायंस की ट्रैफिक है, सब ट्रक खड़ी है, ये फोर व्हील खड़ी है। इधर इसका मेन गेट आ रहा है, यानी कि इसका मेन गेट आ रहा है रिलायंस का। देखो, ये सामने दिखाई था धीरू भाई अंबानी, कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। ये रिलायंस का मेन गेट है, हिंदुस्तान का राष्ट्र ध्वज फहरा रहा है इधर, बहुत बढ़िया तरीके से राष्ट्र ध्वज फहरा रहा है। ये रिलायंस गेट है, यानी कि ये गेट है। यहाँ ये रिलायंस मॉल है सामने, ये यानी कि गेट है, और ये साइड रिलायंस मॉल है। आप किसी को इधर आएगा तो किसी को विजिट लेना है ना, तो भी ये हर चीज़ मिलती है। और ये इसका बढ़िया मेन गेट बनाया हुआ है रिलायंस का। ये धीरूभाई अंबानी की तस्वीर भी बढ़िया लगाई है। और ये गेट है, मेन गेट है, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ गाड़ी खड़ी करके, यानी कि जूम करके थोड़ा बताता हूँ आपको। एक गेट है, और इधर ये धीरूभाई अंबानी की तस्वीर है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाई है। वो कोई पढ़ा लिखा इतना आदमी नहीं था, अनपढ़ ही था, उसके साथ जो नौकरी कर रहा है सब पढ़ा लिखा है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा आदमी पैसा कमा सकता है। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी काम कर सकता है, दूसरे के साथ नौकरी कर सकता है, लेकिन ऐसा साम्राज्य ही खड़ा तो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, वही आदमी कर सकता है। क्यों, दूसरा कुछ सोचते नहीं, दूसरा नहीं सोचते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ से खंबाड़िया 25 किलोमीटर है, और ये भी रिलायंस का गेट है दूसरा। देखो, इधर ही फोर व्हील जाती है, ये भी इसका गेट है। सब बाइक खड़ी है, सब खड़ा है, बड़ी 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 कॉलोनी खड़ी कर दी है। मेरे हिसाब से ये हजारों एकड़ में खड़ी है। इधर एनिमल बहुत है, शेर है, हाथी है, सब बहुत है। और सबको बोलते हैं ये ऐसे ऐसे घूम घूम के आ गया है रिलायंस वाला, ऐसे बोलते हैं। देखो, ये
हाथी भी ऐसा घूम के आ गया, ऐसा बोलते हैं। कम इसको खाना खिलाते हैं सबको, ऊँट आता है, गाय आता है, घोड़ा आता है, सबको ऐसा गवर्नमेंट को ये बोलते हैं। ये सब प्राणी को हमने लाया नहीं है किसी को, इधर ऐसे ही रखा है, पकड़ के रखा है। कोई लावारिस घूमते थे तो हम पकड़ के लाए, तो ऐसा का गवर्नमेंट को ऐसे उल्लू बनाते हैं और बताते हैं कि इसको खाना खर्चा हमारे को इतना देना पड़ रहा। चले हाथी कहाँ से आ जा, हाथी आ गया घूमते घूमते फिरते फिरते ऐसा बोल रहे हैं। देखो ये रिलायंस का काम है, यानी ये रिलायंस का काम है, यानी कि पैसा कमाने के लिए यही तरीका होता है इधर, यानी कि यही तरीका होता है, यानी कि रिलायंस का वही तरीका होता है। ये सब इधर सब दिखाई देता है ना आपको, ये सब रिलायंस की देन है। होटल होगी, गैरेज होगी, सब होगा इधर, ये सब रिलायंस पे ही निर्भय है। मैक पर गांव है इधर, मैक पर तो ये सब एनिमल रखा है ना, तो वो बोलते हैं ऐसा हम किसी को खरीद के नहीं लाया, ये सब इधर उधर घूमते फिरते आया तो हमने इधर रखा है, उसको आसरा दिया है, खाना पानी सब देते हैं, ऐसा उसको गवर्नमेंट को उल्लू बना दिए। और जो पैसा आता है ना इनकम टैक्स का, उसको भरना नहीं पड़ता, क्योंकि इतना एनिमल का इतना खर्चा बताते हैं कि अजबू में बताते हैं, तो उसका इनकम टैक्स बच जाता है, रिटर्न बिटर्न सब। ऐसा भाई आपका में बुद्धि होगी ना तो आप कोई भी काम कर सकता है। देखो इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया, ऐसे ही नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे बुद्धि लड़ा के गवर्नमेंट से ही किया हुआ है सब। देखो ये सब रोड वोड सब बना हुआ है, रिलायंस की देन है। उल्लू बनाने आज आना चाहिए आपको, यानी कि ये उल्लू ही बनाते हैं सबको। इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे खड़ा नहीं होता भाई साहब, आपका किस्मत और आपकी बुद्धि होती है तो ही खड़ा होता है। तो ऐसा है भाई साहब, किसी को इजराइल जाना है, लंदन जाना है, यूके जाना, कनाडा जाना है, तो ये मेरे को व्हाट्सअप की करना और फ़ोन करना। मेरा नंबर है 9825205389, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसी को विदेश जाना है ना तो वहाँ तनख्वाह भी बढ़िया मिलता है आपको, 1,25,000 से 1,60,000, 2,00,000 तक। कोई कारीगर होगा, वेल्डर होगा, तो सबको जाना है किसी को तो बढ़िया रहता है। देखो यहाँ ये रिलायंस का है, ये बड़ा इसने प्राइवेट ये बनाया हुआ है रोड, यानी कि इधर इसने रोड बनाया हुआ है, ये मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर का रोड बनाया है इसने, रिलायंस खुद कंपनी ने बनाया है रोड। तो यहाँ तक ये मेकपर से उधर संघ आता है, वहाँ से तक निकलता है जामनगर के पास में, बाईपास में ये निकलता है। ऐसा है भाई साहब, इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कोई गरीब लोग को काम आएगा। जय माता जी।